हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आज के सेशन में हम करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन जैसा कि लिखा हुआ है थंबनेल पे दोस्तों सिर्फ कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी मतलब इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि पाँच नंबर मतलब तीन से पाँच नंबर का आ सकता है अब वो चार्ट भी आ सकता है बार ग्राफ भी आ सकता है बाकी चीज़ें आ सकती हैं मतलब क्या कि डाटा इंटरप्रिटेशन कुछ ज़्यादा मुश्किल तो होता है नहीं जैसा कि आप लोग जानते हैं बट हाँ जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है जो फर्स्ट टाइम रीड कर रहे होंगे मतलब जो पहली बार देख रहे होंगे तो हम जो करेंगे इस पूरे सेशन में वो हम निकालेंगे परसेंट की वैल्यू और अगर परसेंट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो इसका मतलब कि क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा ठीक है ना तो किसी तरह से एक बार भी मतलब अगर आपको निकालना है तो मैं बोलता हूँ कि हमको एक परसेंट का वैल्यू चाहिए अब एक परसेंट का मतलब आई वो कि कुछ लोग बोल रहे कि गोलगप्पे गोलगप्पे की, की बातें कर रहे थे तो वही जो कॉन्सेप्ट में पढ़ाता हूँ कि एक का मतलब पता होना चाहिए तो वही एक परसेंट का मतलब भी पता होना चाहिए जैसे अगर मैं कहूँ कि मान लेते हैं जरा इसका आंसर सभी मेरे को बता देना मान लेते हैं कि, कि किसी क्लास में कोई क्लास थी इसमें क्या है कि फोर्टी गर्ल है ठीक है और बॉयज दिया हुआ है मान लेते कि फोर्टी परसेंट गर्ल्स हैं बॉयज दिया हुआ है लेट्स सपोज कि बॉयज़ की वैल्यू दी हुई है थ्री सिक्सटी ठीक है बॉयज की वैल्यू थ्री सिक्सटी दी हुई है दोस्तों तो हमें अगर हमसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर हमसे ये पूछा जाए तब क्या होगा <coughs> थीके? अगर हमसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब देखो क्या होगा मैं था कि मुझे एक परसेंट का मतलब पता होना चाहिए अगर एक परसेंट का मतलब पता है तो मुझे सब कुछ पता है अच्छा तो किसी क्लास में टोटल बच्चे कितने होते होंगे हंड्रेड परसेंट अच्छा फोर्टी परसेंट गर्ल्स हो गए तो बॉयज कितने होंगे सिक्सटी परसेंट और 60 का मतलब 360 तो 40 का मतलब बार बार हम यही बात करेंगे कि 60 का मतलब 360 तो 100 का मतलब मतलब क्या मैं सीधा लिख देता हूँ 60 का मतलब 360 तो 100 का मतलब मैं बार बार यही बोलूँगा बच्चों आई ऑलवेज विल से दैट 60 मीन्स इतना तो 100 मीन्स कितना अगर पूछा नंबर ऑफ गर्ल्स तो हम कहते 60 सिक्सटी का मतलब इतना अगर नंबर ऑफ़ गर्ल्स पूछता तो हम बोलते सिक्सटी का मतलब इतना तो हंड्रेड का मतलब कितना मेरे जो कहने का मतलब है कि जो भी पूछा जाएगा हम एक का मतलब निकालेंगे दो का मतलब निकालेंगे तो डेफिनेटली हम काम कर पाएंगे चलो अच्छा एक चीज़ मैं और देता हूँ ठीक है नाविद आज पाई चार्ट वाला डीआई ही करेंगे डोंट वरी अबाउट दैट आपने थंबनेल पे भी देखा होगा वही लिखा होगा पर उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये मतलब का गेम समझाना चाहता हूँ और फिर हम आगे बात करेंगे चलो मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार के लिए अच्छा ये बॉयज़ की वैल्यू ना दिया हो और आप सभी लोग देखें और इस बार बोलना कि मतलब मतलब गर्ल्स कितना परसेंट फोर्टी परसेंट बॉयज कितना परसेंट सिक्सटी परसेंट डिफरेंस कितना ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी का मतलब ट्वेंटी का मतलब थ्री हंड्रेड टू हंड्रेड का मतलब कुछ भी कर सकते हैं देखो डिफरेंस किसका दिया हुआ है बॉयज़ का गर्ल्स का कितना दिया हुआ है थ्री जो दिया हुआ हो वो हमारे काम की चीज़ होती है राइट right? सो so, जो दिया है वो इम्पोर्टेंट है इसलिए करने का मतलब क्या है देखिए बफरिंग हो रही है तो एक बार रिफ्रेश कर लें बाकी टेक्निकल टीम पूरा ध्यान दे रही है आपका तो ये फोर्टी परसेंट या सिक्सटी परसेंट डिफ्रेंस कितना डिफरेंस कितना थ्री हंड्रेड तो मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये अपना सिक्सटी है ये फोर्टी है तो ट्वेंटी का मतलब थ्री हंड्रेड तो हंड्रेड का मतलब यानी कहने का मतलब क्या दैट इज़ वॉट फिफ्टीन हंड्रेड ठीक है जैसा कि आंसर भी आना शुरू हुआ होगा ठीक है <coughs> हम मेरे कहने का मतलब है बफरिंग हो रही है एक बार मैं टेक्निकल टीम से बोलूंगा कि चेक किया जाए बहुत लोगों की शिकायत आ रही है ठीक कहने का मतलब क्या है कि हमें एक परसेंट की वैल्यू पता चलेगी अगर पता चलेगी तो डेफिनेटली हमारा आंसर निकल आएगा तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं ठीक है ना कुछ भी निकाल सकते हैं जो भी पता चलेगा बिल्कुल सही आंसर आना शुरू हो गया दैट इज फिफ्टीन हंड्रेड फिफ्टीन हंड्रेड फिफ्टीन हंड्रेड बहुत बढ़िया दोस्तों हमें कुछ भी पूछेगा कुछ भी पूछेगा तो हम कर देंगे अब जरा देखो मैं एक पाई चार्ट बनाता हूँ छोटा सा और इस पर हम बात करते हैं ठीक जैसे मैं कह देता हूँ कि ये भारतीय वनडे मैच था फोर रन मारे ठीक है ये मेरी कहानी है <coughs> तो अब क्या है कि सहवाग ने 50 परसेंट मार दिया भारतीय टीम 440 टोटल रन थे सॉरी रुपीज लिख दिया रन है ये 440 फोर्टी रन रन लिखना था अच्छा एक बात बताओ यार कि अगर हमसे कोई पूछे कि सहवाग ने अकेले कितना मारा जरा ये सभी लोग जरा बता दो एक बार कि सहवाग ने अकेले कितना रन मारा तो हम क्या करने की 440 का 50 परसेंट निकाल दें तो अगर हम 440 का 50 परसेंट निकाल देते दे तो कितना 220 आ जाता है टू आ जाता है क्योंकि क्या करना है हाफ करना है ये हमको पता है ठीक है अब क्या करना है कि बाकी बच्चे कौन सचिन अगर सचिन का पूछेंगे तो हम इसका 35% लगा देंगे ये भी बढ़िया है नो नो डाउट कोई टेंशन नहीं है अगर ये पूछा जाए तो बिल्कुल बिल्कुल समझ में उड़ा दिया जाएगा अच्छा बच्चों अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सचिन ने सहवाग से कितना परसेंट कम रन मारा तो मेरा क्वेश्चन है हाउ मच परसेंट लेस रन स्कोर्ड बाय सचिन स्कोर्ड बाय सचिन देन सहवाग सचिन देन सहवाग चले इसका आंसर करिए जो ना आपको तीस सेकेंड का समय दे देता हूँ मैं हाउ मच परसेंट लेस रन स्कोर्ड बाय सचिन देन सहवाग ठीक है अब आंसर इसका आना शुरू हुआ है कुछ लोग बोल रहे हैं 15% परसेंट कुछ लोग बोल रहे हैं 66% परसेंट ठीक है कुछ 30 भी बोल रहे हैं कुछ 15% परसेंट भी बोल रहे हैं देखिए अभिजीत शर्मा बाकी लोगों को लगता है कि यार सहवाग पचास है सचिन थर्टी फाइव परसेंट है तो उससे पंद्रह परसेंट कम तो सीधा पंद्रह परसेंट कम लेकिन ऐसा नहीं है ऐसा नहीं होता है दोस्तों ऐसा क्यों नहीं होता है क्योंकि जिससे होता है कंपेयर वो होता है सबसे इंपॉर्टेंट बंदा तो सबसे इंपॉर्टेंट बंदा इस सेक्शन में कौन है सहवाग तो सचिन ने कम मारा किस से सहवाग से कितना कम मारा सिर्फ ऊपर के निकालने की जरूरत नहीं है सिर्फ एक ही पाई चार्ट है तो उसी पे देख लेंगे सचिन ने सहवाग से कितना कम मारा फिफ्टीन और किससे कम मारा सहवाग से तो जिससे होगा कंपेयर वो होगा नीचे तो सहवाग का होगा नीचे तो सहवाग का जो स्कोर होगा रन वो होगा नीचे फिफ्टीन बाई हंड्रेड इज वॉट थर्टी परसेंट एंड दैट इज द स्कोर बात को बात को सिर्फ इतना समझना है आपको कि जिससे होगा कंपेयर वो होगा डिनोमिनेटर में दैट्स इट और कुछ भी नहीं है ठीक है अच्छा इसी को जब हम यार एंगल में चेंज करते हैं बिल्कुल सही कोई डाउट है तो प्लीज पूछेगा कि जिससे होगा कंपेयर वो होगा नीचे दैट इज द फैक्ट एंड वी नीड टू रिमेंबर इट अगर मान लो इसी में यार हमसे पूछा जाए कि एंगल में चेंज करते हैं तो एंगल में कैसे चेंज करते हैं ये बात को आप समझें कि कोई भी पाई चार्ट होगा अगर परसेंट में होगा तो मान लो अगर हमसे पूछे कि सहवाग की एंगुलर वैल्यू क्या होगी एंगल वैल्यू क्या होगा अच्छा ये पाई चार्ट जब परसेंटेज की वैल्यू पे चलता है तो हम उसको बोलते हैं हंड्रेड परसेंट जब परसेंटेज की वैल्यू पे चलता है लेकिन अगर यही पाई चार्ट एंगल के वैल्यू पे चलने लगे तो हम इसको बोल देते हैं डिग्री एंड दैट इज़ कॉल्ड थ्री सिक्सटी डिग्री अब इसमें क्या है कि बच्चे बच्चों लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस होता है बच्चों लोगों को लगता है कि यार ये 360 डिग्री है और ये एंगल है तो कुछ फार्मूला होना चाहिए कोई फार्मूला नहीं है सिंपल सी बात है अब मान लो किसी का भी एंगल निकालना बोले कि सहवा के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बताओ अच्छा एक बात बताओ <coughs> कि हंड्रेड परसेंट पे सहवाग कितना परसेंट है फिफ्टी परसेंट और अगर हमसे कोई सहवाग का एंगल पूछे तो हंड्रेड पे फिफ्टी है तो हम क्या बोलेंगे हंड्रेड का मतलब फिफ्टी सो वन का मतलब हाफ तो 360 का मतलब 180 180 सी बात है ठीक है किसी का भी अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो हम डेफिनेटली सिंपल लगा देंगे कि भाई अगर 100 पे 50 है तो 360 पे कितना होगा सिर्फ हमको क्या लगाना है सिर्फ कितना लगाना है कि मतलब कैसे निकालेंगे ऐसे भी कह सकते हैं कि 100 की जो वैल्यू है वो 360 के बराबर है तो 50 की वैल्यू किसके बराबर होगी हम ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है ना किसी भी परसेंट को समझना है तो हम इसी प्रकार से समझ सकते हैं अब 35 परसेंट है अब अगर पूछे इस पर तो हम बोलेंगे हंड्रेड पर थर्टी होता है तो थ्री पे कितना होगा तो हम क्या करेंगे आज के बाद इस एंगल्स को निकालने के लिए कभी भी फॉर्मूला वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे जो बुक्स वगैरह में लिखा होता है हम क्या करेंगे हम सीधा देखेंगे कि किसके करस्पॉन्डेंस में क्या है फिर हम कन्वर्ट कर देंगे अच्छा अगर अदर्स का एंगल बोले तो हम बोलेंगे हंड्रेड का मतलब फिफ्टीन सो वन का मतलब फिफ्टीन बाई हंड्रेड और थ्री सिक्सटी का मतलब फिफ्टीन बाई हंड्रेड इंटू थ्री सिक्सटी यानी थ्री थ्री पॉइंट सिक्स इंटू फिफ्टीन हमारा वो आंसर आ जाएगा ठीक है ना <coughs> बिल्कुल हम चेंज कर देंगे तो हमको पूरा पता चल जाएगा जिनको समझ नहीं आया बस वो इतना देखो कि किस हिसाब से वैल्यूज़ को हम बदलेंगे अगर यहाँ हंड्रेड पे फिफ्टी है तो थ्री सिक्सटी कितना होगा बस इतनी बात है ठीक है ना और कोई बात नहीं है इस पूरे फंडे में ठीक है दोस्तों चलिए तो एक चलो पाई चार्ट तो हमने देख लिया परसेंटेज की वैल्यू देख ली एंगल की वैल्यू देख ली एंगल की वैल्यू देख ली तो पूरा एक ग्राफ लेकर आया हूँ एंगल पे अगर मान लो आपको समझ नहीं आया है तो पूरा एक ग्राफ लेकर आया हूँ हंड्रेड परसेंट आपको बातें क्लियर होंगी उसमें कोई डाउट नहीं है सो स्क्रीन पर दिखाया जाए सबसे पहले पहला क्वेश्चन ठीक है स्क्रीन पर दिखाया जाए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया होगा कि एक सर्कल है जो हिंदी इंग्लिश दोनों देखना चाहते हैं देख सकते हो उसको जिनका लाइव नहीं चल रहा है वो एक बार रिफ्रेश कर लें ज़रूर चल जाएगा एक सर्कल दिया हुआ है एक ग्राफ है जिसमें एक्सपेंडिचर दिखाया गया है एक बुक बनाने में जब एक बुक पब्लिश करता है तो उसके चार्जेस दिए गए हैं मतलब एडवांस चार्जेस हैं रॉयल्टी के चार्जेस हैं मिसलेनियस चार्जेस हैं चार्जेस हैं बाइंडर चार्जेस हैं प्रिंटिंग का कॉस्ट है और पेपर का कॉस्ट है ठीक है ना मतलब ये सारी चीज़ें दिख रही हैं थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ाएं और आप समझें तो दोस्तों अभी तक जो है आपने देखा होगा एक प्राइम लॉन्च करते थे आज मेगा सुप्रीम लॉन्च हो गया है लिख जो तीस तारीख दो तक वैलिड है मिडनाइट तक इसमें आप जो है सारी चीज़ें सारे कोर्सेज ले सकते हैं एक मेगा सुप्रीम है ये जैसे देखेंगे एक बैंक सुप्रीम एसएससी सुप्रीम और मेगा सुप्रीम तो बहुत सारी आपको वीडियोस मिलेंगी प्लस रिलेटेड जो एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं सब के सब अपलोड होंगे लाइक बैंक में देख सकते हैं एस में देख सकते हैं और मेगा में देख सकते हैं आप ठीक है दोस्तों तो जैसा कि देखा एक गुड न्यूज़ आपको मिली गई अब बात करेंगे क्वेश्चन और इसके आंसर्स के बारे में तो भैया ये सारे चार्जेस इस पर पे बनेगा पेपर का कॉस्ट प्रिंटिंग का कॉस्ट मिसलिनियस का कॉस्ट और रॉयल्टी का कॉस्ट अब क्या आ जाओ आपने देख लिया ये डायग्राम अब आ जाओ क्वेश्चन पे ठीक है ना क्वेश्चन पे आ जाओ क्वेश्चन इसके बाद शुरू होगा तो अगली स्लाइड दिखाई जाए प्लीज नेक्स्ट स्लाइड चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखो और इसका आंसर बताओ कि कैसे आएगा ठीक है ठीक है देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा किस तरह से निकालेंगे थोड़ा सा फास्ट करें और आंसर बताएं आपको थर्टी सेकेंड देता हूं मैं फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए व्हाट शुड बी द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर फॉर द कॉस्ट ऑफ द पेपर अब सोचो कि पेपर की कॉस्ट देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है कागज़ की लागत के लिए क्षेत्र का मध्य कोण क्या होना चाहिए तो देखो कॉस्ट ऑफ पेपर कितना है सिक्सटीन परसेंट अब सिक्सटीन परसेंट में क्या बनेगा एंगल अब ये देख लो कि ह, अब क्या होता है कि हंड्रेड पे कितना होता है सिक्सटीन तो वन पे कितना होगा सिक्सटीन बाई हंड्रेड ाहिर सी बात है तो 360 पे कितना होगा 16 बाई हंड्रेड इंटू थ्री सिक्सटी डेट सेट और कुछ नहीं करना है आपको ठीक है मतलब 16 बाई थ्री सिक्सटी इंटू हंड्रेड और ये कट गया खत्म 16 सिक्स फिफ्टी सिक्स छिक्स जर नाइनटी सिक्स सिक्सटीन थ्री जी फोर्टी एट नाइन फिफ्टी सेवन तो आंसर कितना फिफ्टी सेवन पॉइंट सिक्स सिंपल थोड़ा जल्दी जल्दी बता दो ठीक है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पूरा एक कहानी में बन के आएगा तो हम उसे देख लेंगे कहने का मतलब क्या है कि हमको क्या सॉल्व करना है हमको बस इतना सॉल्व करना है कि 100 का मतलब इतना तो 360 का मतलब कितना सिंपल एक लाइन में इस बात को समझना बच्चों आंसर आएगा 57.6 डिग्री और ये आपका आंसर है ठीक है ना फिफ्टी डिग्री एंड दैट इज द आंसर ठीक है ना यस yes, बहुत इजी था मतलब क्या करना था 100 का मतलब इतना तो 360 का मतलब कितना चलिए एंगल मतलब 360 डिग्री परसेंटेज मतलब 100 डिग्री राइट और ये मेरे को पता है कि सभी का आंसर सही होना चाहिए दोस्तों तो थोड़ा सा स्पीड में आंसर बताते रहो थोड़ा सा एक्साइटमेंट दिखाओ ठीक है थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर बताओ ठीक सो पहला क्वेश्चन सबका ठीक था अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं अब देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग इज़ ठीक है प्रिंटिंग का कॉस्ट दिया हुआ है रॉयल्टी तो का इसके लिए भी थर्टी सेकेंड का टाइम है और फटाफट जरा टाइप कर दो चीज दी हुई है दूसरी पूछी गई है कितनी आसानी से निकाला जा सकता है प्रिंटिंग <clears throat> का कॉस्ट दिया हुआ है सेवनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रॉयल्टी का कॉस्ट पूछा हुआ है ठीक आंसर बताना भी शुरू कर दिया लोगों ने सेवेंटी फाइव हंड्रेड आंसर आना शुरू हो गया कुछ नहीं करना कहीं कुछ भी ध्यान नहीं देना प्रिंटिंग का मतलब कितना परसेंट है थर्टी फाइव परसेंट और थर्टी फाइव परसेंट का मतलब कितना दिया हुआ है वन सेवन फाइव ट्रिपल जीरो वन सेवन फाइव डबल जीरो तो थर्टी फाइव का मतलब इतना तो इन्होंने पूछा क्या है इन्होंने पूछा है रॉयल्टी और रॉयल्टी कितना परसेंट है पंद्रह परसेंट काम ही खत्म कि 35 का मतलब इतना तो 15 का मतलब कितना और देखने से ये 5 पे ही करता है 15 फाइव जो सेवेंटी फाइव दर्टीज सेवेंटी फाइव हंड्रेड ठीक है एक लाइन का क्वेश्चन था थोड़ा सा जल्दी जल्दी आंसर दो बात को समझो ये तो इशारों इशारों में कर दो ऐसे देखो 35 का मतलब 175 एक का मतलब पाँच, तो इज <coughs> yes, तो दो, दो स्कोर आप लोगों का हो गया है जहां तक मेरे को नजर आता है तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखा जाए ठीक है ओके okay, अब ये तो भैया उड़ा दो यार ये तो ऐसे देखो और इसको खा जाओ जस्ट Yes, किसके लिए हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए तो थोड़ा सा ईजी रखते हैं बीच बाद में टप भी लेकर आएंगे ठीक है दोस्तों चलिए फास्ट में निकाल आ जाए थोड़ा सा फास्ट करें प्लीज <coughs> अपने बताते रहना कि कितने तुमने सही करे स्कोर भी बताते रहना हर क्वेश्चन के बाद ठीक है, आर तो advertisement charges. भाई सब इसको तो भाई इसको ऐसे मार दो कमेंट में कि फोर का मतलब सिक्स थाउजेंड तो एटीन का मतलब जस्ट राइट इट फोर का मतलब सिक्स थाउजेंड तो एटीन का मतलब अब जाहिर सी बात है कि मतलब, एटीन का मतलब निकालना है हमें फोर का मतलब दिया हुआ है एटीन का मतलब निकालना है तो जाहिर सी बात है कि सिक्सटीन थाउजेंड से तो बड़ा ही आएगा क्योंकि इससे चार गुना से तो ज़्यादा ही है अब देखेंगे तो ऑप्शन में सिक्सटीन थाउजेंड से बड़ा एक है नहीं तो नाइन्टी थाउजेंड हो तो बहुत बड़ा हो जाएगा तो देख के भी बिना निकाले भी कह सकते हो कि ट्वेंटी सेवन थाउजेंड नहीं तो निकाल लो ठीक है पता भी नहीं चलेगा कि फोर का मतलब सिक्स थाउजेंड तो एटीन का मतलब यू नीड टू जस्ट से इट कि फोर का मतलब इतना तो एटीन का मतलब कितना बस आपको खाली खाली कहना है आंसर तो अपने आप आ जाएगा ठीक है दोस्तों ये था थर्ड क्वेश्चन लेट्स टॉक अबाउट ठीक है लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर गाइज बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इट फील्स गुड जब आप लोग ऐसे आंसर निकालते हैं फटाफट फोर्थ क्वेश्चन देखें और इसका आंसर बताएं कि फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ठीक है दोस्तों सो so फास्ट करें थोड़ा सा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताया जाए प्लीज चलिए इफ फिफ्टी फाइव हंड्रेड कॉपीज आर पब्लिश्ड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अमाउंट टू रूपीज वन एट फोर एट एंड पब्लिशर्स प्रॉफिट इज ट्वेंटी फाइव परसेंट देन मार्क्ड प्राइस ऑफ ईच कॉपी ठीक है ना अगर 5500 कॉपी बनती है और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अब इस पे मैं आपको टाइम देता हूं आप इसको आराम से करें ठीक है ठीक है ये क्वेश्चन देख के इसका आंसर बताएं क्या आएगा कि अगर 5500 कॉपी पब्लिश होती है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो होता है वो वन एट फोर एट पहुंच जाता है और पब्लिशर का जो प्रॉफिट है वो कितना दिया हुआ है ट्वेंटी फाइव परसेंट दिया हुआ है ठीक है ना तो आपको यह बताना है कि प्रत्येक मतलब इन द मार्क्ड प्राइस ऑफ ईच कॉपी ठीक है ना चलिए आंसर निकाला जाए प्लीज फास्ट करें थोड़ा सा फास्ट करें <coughs> ठीक है आंसर आना शुरू हुआ है लोगों के न, ने आंसर निकालना शुरू किया है कि कितना आंसर आता है चलिए ट्राई करते रहिए और बताते रहिए <coughs> और पब्लिशर का प्रॉफिट है ट्वेंटी फाइव परसेंट ठीक है आंसर लोगों ने जो है बताना शुरू किया है किसी का आंसर का आ रहा है टेन पॉइंट फाइव ठीक है देख लो समझ लो बात को <clears throat> अब इसको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ठीक है ठेके? आंसर बता रहे हैं कुछ लोग 10.5 कुछ लोग 12.5 कुछ लोग 10 अच्छा एक बात बताओ यार कि 5500 कॉपी पब्लिश कर दी गई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर किसके बराबर है वन एट फोर एट के बराबर है यानी हमको किसकी वैल्यू पता है फोर की वैल्यू पता है वन एट फोर एट तो हंड्रेड की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं अच्छा अच्छा एक बात बताओ कि इसमें पब्लिशर का प्रॉफिट कितना है ट्वेंटी फाइव परसेंट यानी इस पर वो ट्वेंटी फाइव परसेंट कमा लेता है जो भी कॉस्ट होती है उस पर ट्वेंटी फाइव परसेंट कमा लेता है तो इसको वन ट्वेंटी फाइव लिख दो सिंपल सी बात है कि फोर का मतलब इतना तो वन ट्वेंटी फाइव का मतलब तो पूरी कॉस्ट आ गई और यह पूरी कॉस्ट कितने बुक्स की कॉस्ट है फिफ्टी फाइव हंड्रेड की बस आपको ये देखना है और इसके अलावा कुछ नहीं देखना है मतलब क्या कि हम इसको काट सकते हैं किससे काट सकते हैं फोर फोर जो सिक्सटीन ट्वेंटी फोर फोर सिक्स जो ट्वेंटी फोर और फोर टू ज़ा एट अब ये कितना है फोर सिक्सटी टू तो अभी क्या देखना है इलेवन से काट दो नो डाउट इलेवन यहाँ पे फ़ाइव हंड्रेड हो जाएगा इलेवन फोर जो फोर्टी फोर इलेवन टू जो ट्वेंटी टू ठीक है ये फाइव हंड्रेड है अभी हम क्या करेंगे पाँच से इसको डिवाइड कर देते तो ये कितना हो गया मेरा ये हो गया ट्वेंटी फाइव और ये हो गया अपना हंड्रेड और 25 को 42 से मल्टीप्लाई करो पच्चीस जो ना पचास जीरो और 25 फाइव फोर जो हंड्रेड प्लस फाइव वन हंड्रेड फाइव और डिवाइड करेंगे एट हंड्रेड से आंसर कितना आएगा 10.5 पॉइंट ये बात को समझना पड़ेगा आपको 10.5 पॉइंट फाइव इज द आंसर हमें देखना क्या है हमें देखना पड़ेगा कि भैया चार परसेंट की वैल्यू पता है वन ट्वेंटी परसेंट की वैल्यू निकालनी है ठीक है <coughs> ठीक है अब 125 क्यों अब 100 परसेंट कुछ लोग अगर 100 परसेंट निकाल रहे थे तो आंसर इन, इनका कितना होता 8.40 ठीक है बट हमें कितना निकालना पड़ेगा 125 परसेंट निकालना पड़ेगा एंड दिस इज द आंसर दोस्तों ठीक है बिल्कुल सही सबका सही होगा कोई इसमें लफड़ा है ही नहीं ठीक है बिल्कुल सही चलिए टेन बहुत ईजी क्वेश्चन था वेरी ईजी क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए जो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट शुरू होगा अब यहाँ पे सब कुछ जो दिया गया है वो एंगल पर दिया गया है फुटबॉल अदर्स गोल्फ टेनिस बॉस्केटबॉल क्रिकेट हॉकी ये सारे गेम होते हैं ठीक है ना ये सारे गेम होते हैं और इस पे क्वेश्चन बनाया गया है कि भाई एक्सपेंडिचर दिखाया गया है एक कंट्री का एक देश का भारत समझ लो इसको तुम तो क्योंकि क्रिकेट पे सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है तो सारी चीजें दिखी हुई हैं और अब हम इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे ठीक है थैंक यू दोस्तों समझ आया बात को समझो चलिए स्क्रीन पे दिखाया जाए प्लीज क्वेश्चन दिखाया जाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिखाया जाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिखाया जाए इसके बाद ही आएगा क्वेश्चन यस yes. नहीं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं मतलब फिफ्थ क्वेश्चन नंबर मतलब वो उसी पार्ट का फर्स्ट कहा जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ होगा उसमें पीपीटी में फिफ्थ होगा प्लीज देखें यस दिस इज द क्वेश्चन अब बोला कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेंडिंग्स इज स्पेंट ऑन टेनिस दिस इज योर क्वेश्चन टेनिस पर कितना प्रतिशत खर्च हुआ है ठीक है वॉट परसेंट ऑफ द टोटल स्पेंडिंग इज स्पेंट ऑन टेनिस? चलिए आंसर बताइए थोड़ा फास्ट बताइए बफरिंग हो रही है तो एक बार प्लीज देख लीजिए एक बार बफरिंग कैसे हो रही है मतलब उसको रिफ्रेश कर लीजिए ठीक हो जाएगा ठीक <coughs> यस yes, आंसर देखते हैं हम लोग कहते हैं स्पेंडिंग जो स्पेंट हो रहा है टेनिस का कितना परसेंट हो रहा है अच्छा टेनिस है कितना फोर्टी फाइव अच्छा टोटल कितना 360 तो मतलब बस 45 360 पे तो कितना परसेंट होगा 45 360 थ्री इन अगर हम बात करें तो 45 कितना होता है एट जाट जा पे कट जाएगा वन अपॉन एट कितना परसेंट होता है दुनिया जानती है और हम भी जानते हैं कितना होता है 12.5 पॉइंट फाइव परसेंट वन अपॉन एट कितना होता है 12.5 पॉइंट फाइव परसेंट एंड दिस इज़ द क्वेश्चन और बहुत ही आसानी से था खा ही गए सही है ठीक है ना ठीक है, बिल्कुल सही ठीक है बिल्कुल सही 12.5 सबका आंसर है मेरे भाई तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और मैं जरा डिस्टर उठा लेता हूं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है <coughs> चलिए बताइए आंसर क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन का हाँ <coughs> अब ये करके दिखाओ और डोंट टेक टाइम ज्यादा फटाफट देखना और इसको उड़ा देना फिनिश कर देना इसको थोड़ा सा तेज करें प्लीज <coughs> नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है जो हॉकी पे गोल्फ से कितना ज्यादा खर्चा किया जाता है हॉकी पे गोल्फ से कितना परसेंट ज्यादा खर्चा होता है ये आपको बताना है सेवेंटी फाइव कुछ लोग बता रहे हैं चलिए हम देखते हैं आंसर क्या होता है कि हाउ मच परसेंट मोर इज स्पेंट ऑन हॉकी देन दैट ऑफ गोल्फ वहाँ देन होना चाहिए ठीक है तो हॉकी का कंपेयर किससे हो रहा है हॉकी में कितना है सिक्सटी थ्री डिग्री हॉकी में अच्छा गोल्फ में कितना है गोल्फ में दिया हुआ है गोल्फ में कितना दिया हुआ है थर्टी सिक्स डिग्री तो कंपेयर मतलब ये गोल्फ यहाँ पे जी लिख के यहाँ पे थर्टी सिक्स लिख दो तो कितना कंपेयर हो रहा है जरा आप एक बार देख लीजिए तो डिफरेंस देखो कि इनका डिफरेंस कितना है और कंपेयर किससे करना पड़ेगा कंपेयर किससे करेंगे गोल्फ से करेंगे जैसा सहवाग वाला क्वेश्चन था स्टार्टिंग में बिल्कुल तो ज़रा इनका डिफरेंस देखो और बार बार बोल रहा हूँ कि कंपेयर किससे करना है गोल्फ से करना है तो अगर डिफरेंस घटाते हैं तो हमारा कितना आता है दैट इज़ तेरा में से चे गया सात और दो ट्वेंटी सेवन और कंपेयर किससे करना है थर्टी सिक्स से सो ट्वेंटी सेवन अपॉन थर्टी सिक्स इंटू हंड्रेड सिंपल सी बात है नाइन थ्री जा नाइन फोर ज़ा कटेगा तो कितना आएगा सेवेंटी फाइव परसेंट ठीक है ना <coughs> सिंपल सी बात है 75 परसेंट और यही आपका आंसर होगा ठीक है सिंपल सी बात थी कुछ नहीं करना था अच्छा अब ये मैं ऐसे कर कर रहा हूँ अभी देखा होगा जिन्होंने डी की पहले मेरी वीडियोस देखी होंगी उन्हें पता होगा कि सर ऐसा भी कभी कभी कर देते कि जब कंपेयर करना हो ना तो बस रेशियो देख लो सेवन और फोर का मतलब मैं 63 में से 36 घटा रहा हूँ बट हमको क्या करना है कि 63 36 नहीं सेवन और फोर देख लो तब भी आंसर कितना आ जाएगा 75 परसेंट आ जाएगा मतलब कि रेशियो भी निकाल सकते हैं हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं इसका रेशियो इसका रेशियो निकाला सात था ये ये है चार कितना ज़्यादा है तीन किस से ज़्यादा है चार से तो कितना परसेंट हो जाएगा सेवेंटी फाइव परसेंट हो जाएगा अच्छा अगर मैं आपसे एक बात पूछूं आप लोगों से इसी हिसाब से अगर मान लो कुछ भी पूछा जाए कि मान लो ऐसे पूछा जाए कि ए के पास वन थर्टी थ्री है बी के पास वन हंड्रेड टू है तो बताओ कितना ज़्यादा है ए के पास बी से तो हम क्या करेंगे हम बस सेवनटीन का टेबल पढ़ देंगे और बस हमारा काम हो जाएगा तो सेवनटीन का टेबल अगर हमको आता है इस वो वन थर्टी सिक्स मान लेते हैं ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं सेवेंटीन से इसको काट दें तो ये कितना हो गया आठ ये कितना हो गया छः और उसके बाद भी काट सकते हैं हम लोग कि भैया ये हो गया चार ये हो गया तीन तो जो चीज़ हमें बहुत बड़ी लग रही थी वो एक्चुअली बड़ी नहीं होगी अगर हम क्या निकाल देंगे रेशियोज निकाल पाएंगे तो अभी तक मैं देख रहा हूँ छः में से छः बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन सही था ठीक है ना तो ये भी फॉलो कर सकते हो तो सोचते रहना ठीक है बच्चों सोचते रहना <coughs> चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन स्क्रीन पे दिखाया जाए हाँ बिल्कुल सही सूरज ने बहुत सही बात बोली एग्जाम में दिमाग काम नहीं करता इसीलिए तो प्रैक्टिस करते हैं जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपका दिमाग काम करेगा ठीक है प्रैक्टिस पे डिपेंड करता अगर आपको चीजें पता है तो सब चलेगा नहीं पता है तो कुछ नहीं चलेगा ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन ऑन द स्क्रीन दोस्तों कम ऑन लेट्स डू इट एंड डू इट फास्ट अब सेम कहानी है कि फुटबॉल पे किस पे फुटबॉल पे क्रिकेट से कितना परसेंट कम खर्चा होता है अब देखिए फुटबॉल का कितना दिया हुआ है 54 क्रिकेट का कितना दिया हुआ है 81 अब तो हम इसे उड़ाएंगे कि नहीं उड़ाएंगे अब हम 54 और 81 देखेंगे नहीं हम क्या देखेंगे सिक्स वहां पे 54 मतलब कितना हो गया चलो मैं लिख देता हूँ पहले कि मैं फुटबॉल है अपना फुटबॉल है 54 और क्रिकेट है 81 तो हम क्या करेंगे भैया हम इसको काट देते हैं किससे सत्ताईस से तो ये कितना हो गया दो ये कितना हो गया तीन अच्छा तो कौन कम है फुटबॉल कम है किससे कम है क्रिकेट से कम है कितना कम है वन कम है किससे थ्री से तो कितना परसेंट थर्टी थ्री वन बाई थ्री परसेंट एंड दिस इज द वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन बहुत आसान तब हो गया हमारा जब हमें यह पता चला जब हमें यह पता चला कि रेशियो निकाल सकते हैं बोलो मजा आया कि नहीं आया मतलब अगर रेशियो का फंडा पता है तो आंखों आंखों में ही आंसर आ जाएगा ठीक है दोस्तों बिल्कुल सही यही आंसर है थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट और यस डेफिनेटली रेशियो लगाओ उड़ाओ भागो सिंपल काम खत्म करो एंजॉय करो उसके बाद ठीक है ना चलिए मतलब बिल्कुल रेशो का सेवन आउट ऑफ सेवन आया अभी तक तो ज़रा अपने स्कोर भी एक बार बता दें साथ ही साथ ठीक है अगर आपको जो है कितने स्कोर आपको आए ठीक है ना बिल्कुल <coughs> सही कहते कि लॉफ्टिड शॉट मारेंगे अगर परसेंट वर्सेंट पूछा ना भाई तो बस रेशियो से निकाल देंगे और हलवा उड़ा देंगे बिल्कुल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट की बात करते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर एट जरा सभी लोग देखो और बताओ ठीक है अंकित पांडे बोल रहे हैं आंखों में दिल बन गया थैंक्स यार यही तो मैं चाहता था ठीक है श्रद्धा का सिक्स से प्रियंका सेबेन अग्रिमा सेबेन जीतू इनकी पहली क्लास है आज प्रिया अभिजीत पूजा अभिजीत के सिक्स सेवन ठीक है बढ़िया स्कोर है किसी के पाँच में पाँच है किसी के पाँच छः में पाँच है बढ़िया वेरी नाइस आप लोग सब अच्छा कर रहे हैं और ग्रुप डी का लेवल ए का लेवल ऐसे ही होता है तो बस ये है कि उसे समझ जाएंगे तो डेफिनेटली जो है रॉक कर जाएंगे आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट देखो और बताओ कि क्या इसका आंसर है ठीक है दोस्तों एट <coughs> हम्म सोचे इसके बारे में मैं पढ़ देता हूं आपके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में है द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन स्पोर्ड दर वॉज रूपीज टू करोड़ तो ओके वो माई गॉड इतना टुच्चा क्वेश्चन है इतना टुच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई इसको देख के मतलब क्या बोलू तुमको अब तो है ना ठीक इसे तो घर की दीवारों पे चिपका दो तो अपने आप ही सारा सिस्टम घर वाले भी इसका आंसर बता देंगे ठीक है ना तो आंसर तो इसका बहुत ही आसान है कि दो सालों में जो यदि वर्ष के दौरान पूरा खर्चा करा गया दो करोड़ तो क्रिकेट और हॉकी पर खर्च की गई राशि बताओ ठीक है ना तो क्या बताना है कि थ्री सिक्सटी का मतलब कितना दिया हुआ है टू करोड़ मतलब सिंपल है कि थ्री सिक्सटी डिग्री का मतलब टू करोड़ ठीक है टू करोड़ तो कहने का मतलब द अमाउंट इस इसको करोड़ ही ले अभी करोड़ ही मान के चलते हैं हम लोग तो क्रिकेट और हॉकी पे क्रिकेट का कितना है एटी वन और हॉकी का कितना है सिक्सटी थ्री और अगर इनको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा एटी वन प्लस सिक्सटी थ्री तो एटी प्लस सिक्सटी वन फोर्टी थ्री प्लस वन फोर्टी फोर तो वन फोर्टी फोर ठीक है ना सिंपल सी बात है कि थ्री सिक्सटी टू वन फोर्टी फोर रखा निकाला इसको हम अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर बनता है वो जीरो पॉइंट एट करोड़ के करीब आता है अब सेवेंटी टू मतलब क्या है थर्टी सिक्स फोर जा डायरेक्ट कट जाएगा देखो थर्टी सिक्स फोर जा अब फोर टू 8 हो गया एट अपॉन टेन हो गया तो क्या आ गया जीरो पॉइंट एट और जीरो पॉइंट एट करोड़ का मतलब कितने लाख होते हैं अस्सी लाख होते हैं दैट इज़ होते हैं देखिए कोई अभी बता रही कि सेवन जीरो बट बेटा जरूरी नहीं है आपको करोड़ अपने दिमाग में रखो अगर एक के बाद पॉइंट आएगा तो तो अब अब पे क्या है है मतलब करोड़ तो अस्सी लाख ही आएगा अगला बार आठ करोड़ से कम अगर दो के बाद पॉइंट आता तो आठ लाख हो जाता तीन के बाद पॉइंट आता तो एटी थाउजेंड हो जाता ऐसा हो जाता ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग बच्चों हाँ बात को समझो डायलॉग वाला तो चलता रहेगा आप बस अपना फंडा ठीक कर लो क्वेश्चन नंबर नाइन आपके स्क्रीन पर भी आ चुका है तो प्लीज इसका आंसर बताया जाए <coughs> ठीक क्वेश्चन नंबर नाइन देखें, देखें और आंसर बताएं प्लीज़ बोलता है कि इफ़ द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द ईयर बी कितना है ये वन लाइक वन करोड़ एटी लैक्स द अमाउंट स्पेंट ऑन बास्केटबॉल एक्सीड्स दैट ऑन टेनिस मतलब बास्केटबॉल पे जितना पैसा खर्चा हुआ वो टेनिस से कितना ज़्यादा है ठीक है ना अब ये वन करोड़ एटी लैक्स है वन करोड़ एटी लैक्स मतलब वन पॉइंट एट करोड़ ये हम दिमाग में अपने रखेंगे तो बास्केटबॉल और टेनिस के पैसों का डिफरेंस पूछा गया है और ये टोटल बोला गया है कि यदि वर्ष के दौरान खेलों पर तो अभी 360 का मतलब कितना 1.8 करोड़ ठीक है 360 का मतलब कितना 1.8 करोड़ ये मैंने अपने दिमाग में रखा हुआ है तो बास्केटबॉल और टेनिस का डिफरेंस पूछा है तो बास्केटबॉल कितना है 50 टेनिस कितना है 5 तो ओ माय गॉड ये मतलब बहुत ही सिंपल सी बात है कि भाई ये अगर हम अठारह को पाँच से मल्टीप्लाई कर लो तो ये अपना कितना हो जाता है अगर मैं सारी चीज़ों को देखूँ ध्यान से समझूँ तो ये नाइन बाई थ्री सिक्सटी है नाइन बाई थ्री सिक्सटी का मतलब कितना होता है वन अपॉइंट फोर्टी और वन अपॉइन फोर्टी मतलब वन अपॉइंट फोर तो ज़ीरो पॉइंट टू फाइव होता ही है ठीक है और एक बार और जीरो तो ज़ीरो पॉइंट जीरो टू फाइव सिंपल सी बात है यानी कहने का मतलब है कि जब हम बात को समझेंगे तो ऑप्शन कौन सा आता है हमारे पास ए ढाई लाख यही आंसर है और यही आंसर होना भी चाहिए ठीक है ना लाइक टू पॉइंट फाइव एंड दैट इज योर आंसर सो एक बार लिख लो ये भी काफ़ी आसान था इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी दोस्तों टू पॉइंट फाइव एंड दैट इज द आंसर तो चलिए इसी बात पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर यह भी काफी आसान था ठीक है हम्म hmm, बढ़िया है, अच्छा गुड नाइस वर्ड्स अब ये गांव की बात हो रही है दो गांव में कितने आदमी थे 5800 हंड्रेड ग्रामीण थे टोटल और एक सर्वे में पता चला फेवरेट फ्रूट्स के बारे में कि गवावा 14 परसेंट लोगों को पसंद है एप्पल 12 परसेंट लोगों को पसंद है ग्रेप्स 11 परसेंट कस्टर्ड कौन सा फ्रूट होता है ये भी मुझे बता देना ठीक है बनाना 20 परसेंट मैंगो 28 परसेंट ठीक है अब बात करेंगे पीपल स्टेइंग इन वेरियस विलेजेस तो अलग अलग गांव में कितने आदमी हैं ए ट्वेंटी टू परसेंट बी ट्वेंटी वन परसेंट सी थर्टी टू परसेंट डी ट्वेंटी फाइव परसेंट अब हमको क्या करना है देखना है और समझना है बस ठीक है मनराज का एट नाइन में से आया अभिलाषा का भी एट आया एंड इट फील्स गुड बढ़िया है जी बहुत बढ़िया है तो ये सर्वे वर्वे देख लिया आपने क्वेश्चन क्लियर है क्वेश्चन क्लियर है तो फिर अब आते हैं हम लोग मतलब इस पे क्वेश्चन पे ये पीपीटी नॉर्मल है तो ये देखो जरा इसको पढ़ो और समझो बात को <coughs> ठीक है लिखा हुआ कि मैंगो इज द फेवरेट फ्रूट ऑफ 50% ऑफ द पीपल फ्रॉम विलेज सी पीपल हैविंग देयर फेवरेट फ्रूट एज मैंगो फ्रॉम विलेज सी एप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द पीपल हैविंग देयर फेवरेट फ्रूट एज मैंगो फ्रॉम ऑल द विलेजेस टुगेदर ये बताना है आपको ठीक है ठीक है चलिए देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिए <coughs> ठीक है इसको हिंदी में भी दिखा दिया जाए हिंदी में भी दिखा दिया जाए प्लीज कि गांव सी से 50 प्रतिशत लोगों का पसंदीदा फल आम है आम को पसंद करने वाले लोगों का गांव के सभी लोगों से लगभग क्या प्रतिशत है ठीके? ठीक है ठीक देखिए और बताने की कोशिश करें अब आई थिंक इंग्लिश हिंदी में भी देख लिया होगा अपने भारतीय भाषा में अब हम बात करेंगे जो है इंग्लिश भाषा की बात करें और वहाँ पे बताएं कि क्या आंसर होगा तो अभी क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन क्या है कि मैंगो जो है पचास परसेंट लोगों का विलेज सी से जो है वो फेवरेट फ्रूट है ठीक है ना और पीपल हैविंग देयर फेवरेट फूड एज मैंगो फ्रॉम विलेज सी अप्रॉक्सिमेटली वॉट परसेंट द पीपल हैविंग देयर फेवरेट फूड एज मैंगो फ्रॉम ऑल द विलेजेस टुगेदर ठीक है ना ये भी ध्यान आपको देना पड़ेगा ठीक अच्छा टोटल तो 5800 था तो अगर मैं मैंगो की बात करूँ तो मैंगो सबको अट्ठाईस है सबके पास 28 परसेंट है लेकिन सी में कितने लोग रहते हैं 32 परसेंट अब एक चीज देखो कि वैसे तो टोटल वैल्यू 5800 दिया हुआ है बट क्योंकि बात परसेंट की है तो टोटल 100 मान लो कुछ फर्क नहीं पड़ता टोटल 100 मान लो आंसर तो परसेंट से ही आएगा अच्छा भाई सी में कितने आदमी हैं? सी में 32 आदमी हैं, लेकिन उसमें 50 परसेंट लोगों का फेवरेट फ्रूट कितना है मैंगो ठीक है तो अच्छा एक बात बताओ कि सी शहर प्लस मैंगो तो थर्टी टोटल बनेंगे उसका पचास परसेंट कितना हो गया सोलह सिक्सटीन हो गया ठीक है और पूरे के पूरे पूरे के पूरे मैंगो में खाने टुगेदर तो ऑल दिल्जेज में कितने आदमी है ट्वेंटी एट तो सोलह ऊपर ट्वेंटी एट नीचे इंटू हंड्रेड इट सोलह अपॉन्ट अट्ठाइस इंटू सौ यही आपका आंसर आएगा सिक्सटीन अपॉन ट्वेंटी एट इंटू हंड्रेड इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं तो so, ये कितना हो जाता है अपना सिक्सटीन ये आ गया मेरा फोर

है ना तो यूज करके क्यों नहीं परेशान होते मैं यूज करूंगा तो मैं परेशान हूँ वैल्यूज निकालूंगा वैल्यूज निकालूंगा तो मैं और परेशान हूंगा और परेशान हूंगा तो बड़ा हो जाएगा ठीक है ना तो अभी हमें क्या करना मैं क्या करना चाहता हूं मैं ये चाहता हूं कि मैं सौ मान लेता हूं हंड्रेड तो सी शहर में कितने आदमी हैं थर्टी क्योंकि हंड्रेड का थर्टी कितना होता है थर्टी उसमें से 50% परसेंट लोगों को क्या पसंद है आम पसंद है मुझे भी आम पसंद है आपको क्या पसंद है ये भी बता सकते हैं कि भी 50 पसंद है, तो फिफ्टी परसेंट मतलब 32 का 16 लोगों को मैंगो पसंद है ठीक है अब क्या करना है कि सोलह लोगों को मैंगो पसंद है अच्छा अब सोलह लोगों को पूरा मैंगो पसंद आएगा सोलह लोगों को मैंगो पसंद आएगा कितने में से अट्ठाईस क्योंकि लिखा हुआ है ठीक है रेख पता रही अट्ठाईस कैसे आया यहां पे एंड दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन हर्ट्स में पता है क्यों क्योंकि आपको वहां दिख नहीं रहा क्या कि मैंगो लिखा हुआ है अट्ठाइस परसेंट लिखा हुआ है कि टोटल व्हाट परसेंट ऑफ ऑल द विलेजेस टुगेदर तो सारे शहर में कितना परसेंट है अट्ठाईस परसेंट है तो सारे शहर में अट्ठाईस लोगों को मैंगो पसंद है ठीक है ना ट्वेंटी <coughs> एट लोगों को मैंगो पसंद है अब बताओ कि समझ नहीं आया अब बताओ कहाँ कहा गड़बड़ हुआ क्या गड़बड़ हुआ प्लीज टेल मी सी प्लस मैंगो क्यों किया काजल यही तो पूछा है टोटल मैंगो डेफिनेटली टोटल हाँ सी प्लस मैंगो ही तो पूछा इसलिए तो करना पड़ा कि सी शहर में ये कस्टर्ड नहीं है भैया सी सिटी 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 ठीक है ना यस ट्वेंटी एट परसेंट इज गिवेन इन पाई चार्ट ठीक है चलिए बहुत अच्छे बेटा ठीक है अपने ध्यान से नहीं हो गया. ठीक है चीकू वाला हाँ बिल्कुल सही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो अभी हिंदी इंग्लिश में सब देख लेना ये वही वाला क्वेश्चन है अगला इलेवेंथ नंबर अब ये करके दिखाओ ठीक है दिस इज अ गुड क्वेश्चन चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सब पूरी बात करेंगे लफड़ा मत लो कोई भी ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं <coughs> कोई बात नहीं हो जाता है मिस्टेक जब जब मैं कह रहा ना कि हल्का आता है तो आप बोलते इजी बहुत है जब थोड़ा सा टफ आता है टफ कुछ नहीं है बस लैंग्वेज बदल दिया तो थोड़ी सी टेंशन हो जाती है तो चलें प्लीज बताएं क्वेश्चन नंबर इलेवन देखें और इनको जरा हिंदी में भी दिखा दिया जाए प्लीज क्वेश्चन नंबर इलेवन को हिंदी में भी दिखा दिया जाए चलिए लिखा हुआ है कि गांव डी से 20 प्रतिशत लोगों का पसंदीदा फल केला है बनाना है तो डी के लोग निकलेंगे उसका 25 प्रतिशत बनाना होगा और उसी गांव से 12 प्रतिशत लोगों का पसंदीदा फल अमरूद है तो उस गांव के कितने लोगों को अन्य फल पसंद है बताओ ये कोई क्वेश्चन है क्या अब ठीक है इंग्लिश कर दिया जाए प्लीज <coughs> तो नाइन क्वेश्चन अनुज के सही हुए अभी तक मतलब एक आध गलत हो गया और ये मेरे मेरे को लगता है कि पिछला वाला ही गलत हुआ होगा एक बार इंग्लिश में भी रीड करता हूं अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है सो जस्ट टू रीड द क्वेश्चन यू गेट द आंसर ठीक है ट्वेंटी परसेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम विलेज डी हैव बनाना एज योर फेवरेट फ्रूट एंड ट्वेल्व ऑफ द पीपल फ्रॉम द सेम विलेज हैव है एज योर फेवरेट फ्रूट तो कितने लोगों को और फ्रूट पसंद है थोड़ा सा बढ़ा दें अगर आप रेजोल्यूशन बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा ठीक है अगर नहीं दिख रहा तो वीडियो क्वालिटी थोड़ी बढ़ा दो आप ऐसा देख करो 360 या 480 में देखने की कोशिश करो आंसर आना शुरू हुआ है अच्छा एक बात बताओ यार कितनी नकली बात है बताओ 32 परसेंट ऐसा लिखा ना विलेज डी से 20% परसेंट और अगला 12% परसेंट मतलब 32% परसेंट लोगों को या तो बनाना पसंद है या तो आ, जो है दूसरा कौन सा फ्रूट है गवावा पसंद है अमरूद पसंद है कौन से शहर की बात हो रही है डी की डी की बात हो रही है डी में 25% परसेंट लोग थे तो डी में हैं कितने देखो पहले डी की बात कर लेते तो फिफ्टी था इसका ट्वेंटी हमको पता है कि ट्वेंटी कितना होता है दैट इज़ वन अपॉइंट ये हमको पता है तो 5800 एट हंड्रेड इंटू वन बाई फोर पहली बात तो क्लियर है दूसरा लिखा हुआ है कि इसमें से 32 परसेंट लोगों को अब आप कहोगे कहाँ लिखा हुआ है 32 परसेंट लेकिन लिखा हुआ है कि 20 परसेंट और 12 परसेंट और 20 परसेंट मतलब एप्पल सॉरी क्या था एप्पल नहीं है तो क्या सो फ्रूट है बनाना और बारह परसेंट गवा तो टोटल थर्टी टू परसेंट तो यही पसंद आ गया तो बचा कितना परसेंट तो जस्ट डाटा <coughs> नहीं है यहाँ हाँ फिफ्टी एट हंड्रेड जो है वो है स्टार्टिंग में लिखा हुआ है तो इसमें क्योंकि जगह नहीं थी इसलिए हम दिखा नहीं पाए तो फिफ्टी एट हंड्रेड आप वो देख लेना उसको अभी क्या करना है इसको काट दो सेवनटीन ठीक है अब हमें क्या करना है ये भी परसेंट था तो परसेंट तो लगाना ही पड़ेगा तो जीरो से जीरो कट जाएगा 17 into 58 अब 17 8 का कितना होता है 136 तो कैरी कितना हुआ 13 17 5 85 85 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 98 986 इज द आंसर एंड दैट इज यस 986 तो भैया ऑप्शन क्या है नन ऑफ दीस क्योंकि मुझे तो 986 नहीं दिख रहा शायद आपको दिख रहा है तो प्लीज बता दो आंसर क्या None of these. बहुत था। पहले क्या करना है, 25 निकालना है। फिर क्या स्क्रीन अब ये तो भाई करी दो सबसे आसान है मैं लिख देता हूं यहां पे जिनको डाटा का प्रॉब्लम हो रहा है टोटल जो आदमी है दो शहरों में सारे वो 5800 टोटल 5800 ठीक है 5800 <coughs> 68 जो है 68 एट क्योंकि थर्टी टू टोटल 100 परसेंट होता है थर्टी टू परसेंट लोगों को या तो बनाना या तो गवा पसंद था तो बचे कितने परसेंट सिक्सटी एट परसेंट ही बचे ठीक है चलिए हाउ मेनी पीपल इन ऑल हैव कस्टर्ड ओके तो कस्टर्ड कितने लोगों का फेवरेट फ्रूट है तो कस्टर्ड जरा देख लो भाई कितने परसेंट है कस्टर्ड है फिफ्टीन परसेंट तो इसका 15 परसेंट निकालना है तो 10 परसेंट कितना हुआ ठीके? 10 परसेंट कितना हुआ पांच परसेंट कितना हुआ? 50, uh, 58 का था कितना 290 मतलब हमें क्या करना है 580 में 290 प्लस कर दो तो ये आपका आंसर है इजिएस्ट क्वेश्चन ठीक है ना 580 में 290 प्लस कर दो तो कितना आएगा 870 अच्छा सोचो कि आप एग्जाम दे रहे हो ग्रुप डी का ए एल वाले एग्जाम में बैठे हो और ये वाला क्वेश्चन आ जाए ऐसा सा 15%, ऐसा कुछ तो सोचो क्या होगा बताओ क्या होगा तुरंत आंसर निकलेगा विद इन सेकेंड और खुशी और होगी लेकिन अगर फिफ्टीन परसेंट ऐसे निकालोगे तब और कभी अगर आपने ऐसे निकाला तो मतलब थोड़ा सा टाइम वेस्ट सा लगेगा थोड़ा सा टाइम आपका वेस्ट हो सकता है ठीक है ये भी ध्यान देना चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखा जाए ठीक <coughs> चले ये बढ़िया है हाँ क्वेश्चन है आप इसे देखें और समझने की कोशिश करें थर्टीन हिंदी इंग्लिश दोनों में है हाँ आ सकता है ए में भी आ सकता है क्यों नहीं आता बिल्कुल सही आंखों में दिल बन जाएगा बहुत सही बात बोले आप फिफ्टी परसेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम विलेज बी है बनाना एज फेवरेट फ्रूट ठीक है ओके गुड हाउ मेनी पीपल फ्रॉम अदर विलेजेस हैव द सेम फेवरेट फ्रूट ठीक है तो गांव बी के 50 प्रतिशत लोगों का पसंदीदा फल कितना है केला है ठीक है दूसरे गांव के कितने लोगों का मन पसंदीदा फल भी क्या है केला ही है दैट वॉज द क्वेश्चन सो सबसे पहले टोटल निकाल लो। <clears throat> टोटल निकाल लो पहले टोटल की 5800 तो टोटल था ही उसमें बनाना वाले कितने हैं तो अगर मैं बात करूं तो बनाना के कितने लोग हैं टोटल ट्वेंटी परसेंट है ठीक है ना <coughs> सूरज ग्रुप डी का पेपर उठा के देखो ऐसा कुछ नहीं आएगा जो आपको नहीं आएगा बिलीव में कुछ बहुत भयंकर सी बातें नहीं होंगी मैं आपको बोलता हूं कि जब आप दे के आओगे ना पेपर तो आप वहां बैठोगे थोड़ी देर क्योंकि आप सारे क्वेश्चन कर चुके होंगे फिर आप थोड़ी देर बैठ के स्क्रीन स्क्रीन देखना इधर उधर देखना लेकिन जो प्रॉब्लम है मैथ्स तो बहुत आसान आता है अपना जो बाकी चीज़ें हैं जैसे कि करेंट अफेयर्स और जीएस वगैरह उसको अच्छा करें मैथ्स बहुत आसान आएगा मतलब जब आप बैठ के थोड़ी देर आप इधर उधर देख लेना ठीक है अब जिस पर डिपेंड करेगा कि बाकी चीज़ें आप कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो देख के ख़त्म कर दो भाई देख के ख़त्म कर दो ठीक है आंसर आना शुरू हुआ है <coughs> 551 और 551 बहुत सारे लोगों का आया और पूजा सिंह 1020 बता रही हैं तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा कि जो 20% परसेंट इसका लेना पड़ेगा 20% परसेंट तो 580 का 20% परसेंट कितना होता है तो 500 का डबल थाउजेंड एटी का डबल 160 तो 20% परसेंट फाइव का तो डबल 160 इतने लोगों को बनाना पसंद है बनाना पसंद है इतने लोगों को डबल वन सिक्स जीरो को ठीक है लोग हैं उनमें से फिफ्टी परसेंट लोगों को क्या पसंद है उनमें से फिफ्टी परसेंट लोगों को बनाना पसंद है तो बी में कितने हैं ट्वेंटी वन परसेंट तो जरा ये देखो तो फिफ्टी एट हंड्रेड का ट्वेंटी वन परसेंट और 50 परसेंट इतने तो अभी में आदमी हैं और इनको कितना पसंद है फिफ्टी परसेंट लोगों को क्या पसंद है बनाना पसंद है तो हमें तो ये तो इससे निपट गया ये हो गया ट्वेंटी नाइन अब ट्वेंटी नाइन इंटू ट्वेंटी वन कितना होता है ठीक है ना ट्वेंटी नाइन इंटू ट्वेंटी वन कितना होता है दैट इज़ मेरे हिसाब से ट्वेंटी नाइन वन से ट्वेंटी नाइन तो इकतीस छः सौ एंड सिक्स ज़ीरो नाइन ठीक है आई थिंक सिक्स ज़ीरो नाइन ही होता है एक बार आप अगर चेक करें तो बताएं तो सिक्स जीरो नाइन इज अगर म, मतलब होता है जिनको बनाना कौन से शहर से पसंद है बी शहर से पसंद है तो बोलते कितने आदमी ऐसे हैं अन्य शहरों से तो इसका और इसका डिफरेंस जब देखोगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर आएगा टेन में से नाइन गया वन यहाँ बचा फाइव और इलेवन में से सिक्स गया फाइव सो फाइव फाइव वन इज़ द आंसर ठीक है हाँ फिफ्टी परसेंट मतलब हाफ तो हाफ फाइव फाइव वन इज द आंसर ठीक है ठीक है बिल्कुल सही बिल्कुल सही अब ये भी है कि भाई हमें यहाँ से ट्वेंटी परसेंट निकालना है हाँ नहीं तो हम इसको ट्वेंटी वन का हाफ करके टेन पॉइंट फाइव परसेंट भी निकाल सकते हैं जैसा आकाशदीप बोले कि नाइन पॉइंट फाइव परसेंट निकाल सकते हैं अब नाइन पॉइंट फाइव को फिफ्टी एट हंड्रेड से मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा तो वो टाइम वेस्ट हुआ मतलब 9.5 और 58 दिस इज अ टफ कैलकुलेशन आई थिंक सो बट यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं या जैसे आप चाहो कर सकते हैं राहुल <clears throat> शर्मा 20 परसेंट और 21 वन परसेंट बता रहे समझने देखो कि टोटल जो है 5800 पीपल थे तो 20 परसेंट लोगों को बनाना पसंद था तो टोटल बनाना पसंद करने वाले आदमी कितने डबल वन सिक्स जीरो इतने लोगों को बनाना पसंद था उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि शहर बी में ट्वेंटी वन परसेंट लोग हैं तो हमने बी के लोगों को निकाला ठीक है ना बी के लोग निकाले ये आ गए अब ये बी के लोगों को कितना आ, कितने बनाना पसंद है फिफ्टी परसेंट तो वन बाई टू निकाल दिया तो ये आ गया सिक्स ज़ीरो नाइन ठीक है ना ट्वेंटी परसेंट तो टोटल गिवन है दैट्स वाई यहाँ लिखा कि टोटल बनाना

ठीक है हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये भी ठीक है चिरंजीत बिल्कुल सही बात बोल रहे नाइन पॉइंट फाइव टेन परसेंट निकाल के पॉइंट फाइव परसेंट घटा दो ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है एट टाइम जब दिमाग में वहां जो भी अब बात आए वो निपटा देना ठीक है जो भी आए जैसा भी समझ आ रहा है कर दो बस एट लास्ट फर्स्ट वाले में हाँ गवावा फोर्टीन परसेंट है एप्पल ट्वेल्व है ग्रेप्स एलेवन है कस्टर्ड फिफ्टीन है बनाना ट्वेंटी है मैंगो ट्वेंटी एट है वो एक बार देख लेना आप लोग वाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हैविंग देयर फेवरेट फ्रूट एज एप्पल एंड कर्स टुगेदर ठीक है तो मेरे हिसाब से ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ मुझे नहीं पता कि इससे आसान कोई क्वेश्चन आज में था इज अजिएस्ट वन है कि एप्पल और ग्रेप्स जोड़ लो एप्पल कितना है 12% परसेंट ग्रेप्स कितना है 11% परसेंट ट्वेल्व और 11 जोड़ेंगे कितना परसेंट आएगा 23% परसेंट और 23% परसेंट मतलब सिर्फ मल्टीप्लाई करना है बस और कुछ नहीं करना है आपको 23 थ्री इंटू फिफ्टी नॉर्मल भी मल्टीप्लाई कर सकते हो जरूरी नहीं कि परसेंट निकालो वो वरना एक चीज तो क्लियर है इसका आंसर या तो ए होगा या तो कुछ और होगा ठीक है दोस्तों सो so, कोई कुछ कह रहा था तो मैंने वो कमेंट पढ़ा नहीं तो एक बार कमेंट कर देंगे मैं बाद में रिपीट कर दूंगा सो so, दोस्तों आज का सेशन जो है यही खत्म करते हैं हम लोग ये बहुत सिंपल सी बात है कि जो कॉम्बि जो जिस टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे आज इसी टाइप का क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा ठीक है और देखता हूँ मैं अगर मुझे और भी ग्रुप डी में लगेगा कुछ टफ क्वेश्चन है तो कल एक क्लास और डीआई की होगी उसके बाद मीन मीडियन मोड भी पढ़ेंगे सो तैयार रहिए चीज़ों को समझिए क्वेश्चन बहुत आसान आएगा ठीक है सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टेक केयर गुड नाइट